हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे जो सेकेंड लेक्चर है, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है, आज के क्लास में मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे बदलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक पतला पेपर लेता हूँ ऐसे, जिसको मैंने ऐसे मोड़ दिया। एकदम पूरा पतला वाला, और इसको मैंने यहाँ से अगर आप इस पेपर को ऐसे पकड़ोगे मुंह के सामने और ऐसे फूंक मारोगे ऐसे, ठीक है, एक बार फिर ध्यान से और एक बार साइड से देख लीजिए, तो ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से, यहां पर ये था मेरा माउथ, ये मेरा माउथ था, माउथ के सामने जो पेपर का स्ट्रिप है ये कुछ ऐसे मैंने रखा था, कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे था, ठीक है। और जैसे मैंने इस डायरेक्शन में एयर को ब्लो किया तो यहाँ पर जो स्पीड थी, यहाँ पर जो स्पीड थी एयर की, ये बढ़ गया। और हमने ये पढ़ा था जहाँ पर एयर की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर हमेशा बनता है लो प्रेशर। लेकिन यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट था, यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट था, यहाँ पर स्पीड, एयर की जो स्पीड थी बहुत ही कम थी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर बना हाई प्रेशर, और जो एयर है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करता है। तो यहाँ पे भी जो एयर है ये ऐसे ब्लो करेगा, जिसके चलते ये पेपर स्ट्रिप को ऊपर उठाया देगा और ये पेपर स्ट्रिप ऐसे सीधा ऊपर उठ जाएगा। बात एकदम क्लियर है? कोई परेशानी? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ विंड ब्लोज, हाउ विंड ब्लोज ऑन अर्थ। जो अर्थ होता है ये तो बहुत ही बड़ा है, एक प्लैनेट है, तो यहां पर कैसे विंड कैसे ब्लो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो रीजन से, मैं रीजन को पहले मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला रीजन जो है ऑन इवन हीटिंग, और जो दूसरा रीजन दिया है ऑन इवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ऑन इवन हीटिंग ऑफ लैंड
एंड वाटर। सो ये है दो मोस्ट पॉसिबल रीजन्स। तो सबसे पहले ये अर्थ है, और अर्थ का जो डायमीटर होता है दिस इज नोन एज इक्वेटर। और यहां पर जो नेक्स्ट लैटिट्यूड प्रेजेंट है इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहां पर जो नेक्स्ट लैटिट्यूड प्रेजेंट है ठीक इक्वेटर के नीचे दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और हम ये बात जानते हैं क्लियरली कि ये जो एरिया होता है ये इस एरिया को हम कहते हैं हॉटेस्ट जोन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो एरिया आप देख रहे हो दिस इज नॉर्थ पोल, और ये जो एरिया आप देख रहे हो दिस इज साउथ पोल। और यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल में डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरती, इसीलिए यहां का जो एरिया होता है ये एकदम कोल्ड होता है, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि जहां पर टेम्परेचर कम होगा वो होगा हाई प्रेशर एरिया, तो ये भी हो गया हाई प्रेशर एरिया। और जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हो जाएगा लो प्रेशर एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो एयर है वो पोल से इक्वेटर की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। तो इस वजह से पूरे अर्थ में एयर की मूविंग होती है। आई बात समझ में? और जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑन एवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, तो इसको भी चलो बता देते हैं। तो ऑन इवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, अब ये क्या है? मान लीजिए ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, और ये है आपका लैंड। ठीक है, और जैसे ही सनलाइट गिरता है, सनलाइट तो इक्वली चारों तरफ एक अमाउंट में गिरेगा, तो इससे क्या होगा? वाटर के मुकाबले जो लैंड है ये जल्दी गर्म हो जाएगा, हीट्स ऑफ फास्ट। और जैसे ही लैंड गर्म हो गया, जैसे ही आपका लैंड गर्म हो जाता है तो लैंड के पास जितना एयर होगा ये एयर भी गर्म हो जाएगा। और हम जानते हैं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वो होता है लो प्रेशर एरिया, उसी टाइम वाटर गर्म नहीं रहेगा, वाटर तो जैसे ठंडा था वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो एरिया है ये थोड़ा सा कोल्ड होगा, कोल्ड एरिया।
और जो कोल्ड एरिया होता है वो होता है हाई प्रेशर एरिया। तो जिसके चलते यहाँ हाई प्रेशर से जो विंड है ये ब्लो करेगा। बात एकदम क्लियर है? ठीक है। सो दिस अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर कॉजेस द एयर टू मूव, कॉजेस द एयर टू ब्लो। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है?